आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैंने कुछ और न्यू प्लान की शॉपिंग की जो आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, और इनके मैं दाम भी बताऊंगी मुझे कितने कितने में मिले हैं। इसका नाम तो मुझे नहीं मालूम है, पर बहुत ही अच्छा प्लांट है ये। ऊपर की पत्तियाँ जब निकलती हैं तो इसका रेड कलर हो जाता है, पर इसमें अभी उतना कलर नहीं है, थोड़ी सी और होंगी तो ये और डार्क रेड कलर में आ जाएगा। फिर धीरे धीरे ये ग्रीन हो जाती है, जैसे इनके नीचे की है। ये मुझे मिला है 80 रुपये का। और ये देखिए, ये डॉर्फ वैरायटी की चांदनी, नीली चांदनी। उसने तो मुझे यही बताया कि ये नीली चांदनी है। अभी इसकी कलियां बहुत लाइट कलर, पर्पल कलर में है। आप लोग बताइए कि ये नीली चांदनी इसको कहते हैं कि कुछ और कहते हैं। ये मुझे मिला 50 रुपये का। और ये देखिए अरेलिया, इसमें दो लगे हुए हैं। ये मुझे मिला 50 रुपये का। और ये ग्रीन सफलेरा, ये भी मुझे मिला 50 रुपये का। और बहुत अच्छे प्लांट हैं। और ये देखिए, ये है जूही है कि कुंदा है, अभी ये फ्लावर आने के बाद पता चलेगा। क्योंकि जूही का बिल्कुल वाइट कलर के फ्लावर आते हैं, देखने में दोनों एक ही जैसे लगता है, दोनों का प्लांट एक ही जैसे लगता है, लीफ पत्तियां सब एक जैसी ही होती है, पर ये फ्लावर आने पे पता चलेगा कि ये कुंदा है कि जूही है। जूही में वाइट कलर के फूल आते हैं, कुंदा में उनके फ्लावर की जब कलियां बनती हैं तो रेड कलर, डार्क पिंक या रेड कलर में होते हैं, और फिर खिलने के बाद ऊपर वाइट हो जाता है, नीचे उनका वही पिंक या रेड कलर कुछ ऐसा ही कलर आता है। अभी खिलने के बाद पता चलेगा, अभी तो मुझे नहीं मालूम, अभी इसमें फूल नहीं आए हैं। ये मुझे मिलाया, ये भी मुझे मिला 50 रुपये का। और काफी बड़ा प्लांट है और बहुत अच्छा प्लांट है। और ये रहा बोगनवेला। बोगनवेला मेरे पास बहुत है, मैंने कुछ कटिंग से लगाई थी पिछले साल, वो भी ये वाइट कलर का, व्हाइट कलर का बोगनवेला मेरे पास है, पर उसमें इस समय फ्लावरिंग भी नहीं हो रही। पता नहीं क्यों उसकी पत्तियां बिल्कुल लाइट ग्रीन हो गई है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। और ये भी काफी बड़ा प्लांट है, बहुत ही अच्छा प्लांट मुझे लगा, इसलिए मैंने इसको भी ले लिया। ये मुझे पड़ा था ये बोगनवेला 80 रुपये का। ये रही आज की मेरी प्लांट शॉपिंग। सभी प्लांट लवर से मैं कहना चाहती हूँ, खूब प्लांट की शॉपिंग करिए और नए नए प्लांट अपने गार्डन में ऐड करिए, और खुश रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय करिए अपना गार्डन। सभी को मेरा नमस्कार। आज सुबह सुबह हम लोग आ गए थे, 5 बजे ही आ गए, क्योंकि कुछ प्लांट की जो शॉपिंग हम लोगों ने की थी उसी को रिपोर्टिंग करनी थी। और पौधे एकदम नेट मेरे यहाँ ऊपर लगा नहीं था, तो नेट भी लगाना था। कल शाम को हम लोगों ने सीमेंट से जो बांस होते हैं उसको हम लोगों ने लगा दिया था, उसमें सीमेंट में लगा, वो जाम हो गया था, तो उसी में नेट भी, पुराना नेट मेरा रखा हुआ था वही लगाना था। ये देखिए पूरी तरह से एकदम अच्छा हो गया था, एकदम जाम हो गया था, हिल नहीं रहा था। फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी सारे प्लांट की रिपोर्टिंग की।
कुछ पुराने प्लांट थे उनके गमले बदलने थे चंपा के, क्योंकि उसमें जड़ी इतना ज़्यादा हो गया था, पानी डालती थी शाम तक सूख जाता था, अगर शाम को जिस दिन नहीं डालती थी सुबह तक वो मुरझा जाता था, इसलिए उसको थोड़ा बड़ा गमला भी देना था। सच में संडे के दिन गार्डन में कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता, बहुत ज़्यादा काम होता है। हम लोगों ने जल्दी जल्दी बस अपने प्लांट, क्योंकि धूप भी आ जाती इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे। इधर धूप आ जाती है 9 बजे से धूप आ जाती है मेरी छत पे, फिर शाम तक जब तक धूप जाती नहीं तब तक धूप रहती है मेरी छत पे। सारे प्लांट लग चुके थे, उसके बाद सारा जो दीवार की तरफ लगे थे बस उनको हटा के झाड़ू लगाना था और नेट लगाना था। हम लोगों ने जल्दी जल्दी फिर नेट लगाया, फिर भी करते करते 5 से 8 बज गए थे। ये रहा मेरे गार्डन का फाइनल लुक, आज मेरे पौधों को मिल गया नेट, जो इस तेज तपती गर्मी में मेरे पौधे सुलस रहे थे। ये रहे मेरे पति देव, मैं अपने पति देव से कुछ पूछना चाहती हूँ, आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? इधर देखिए सीधा खड़े होइए, सुबह जो 5 बजे से हम लोग लगे हैं, इधर आइए इधर आइए, 5 बजे से हम लोग लगे हैं, इधर देखिए मेरे पौधों को ग्रीन नेट मिल गया। अब आपको कैसा लग रहा है, हैं? क्योंकि जब पौधे लेने जाते थे तो पूरी पर्स खाली हो जाती थी, और इतनी तेज धूप में जब मेरे पौधे खराब होते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था। अपनी बीवी का हेल्प करके आपको कैसा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बोलिए। हाँ बता तो रहा हूँ ना, अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइएगा कि मेरा ये छोटा सा प्यारा सा गार्डन कैसा लग रहा है। अभी मेरे पास प्लांट बहुत कम है, पर धीरे धीरे अभी मैं और प्लांट ले आऊंगी तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि आज मिल गया इनको ग्रीन नेट, जो कि हम लोग कल शाम से लगे हैं, कल शाम से नहीं दोपहर से। ये देखिए हम लोगों ने इसको अपने हाथों से बनाया है, कल शाम को इसको बना दिया था आज हो गया। जरूरी नहीं है कि किसी को बुला के करवाया जाए। अगर हम लोग कुछ करने के लिए ठान लेते हैं तो मुश्किल चीजें भी आसान हो जाती हैं। आंटी मेहंदी भी लगानी है मेरे बाल में, पहले मेहंदी लगा दूँ फिर बर्तन धुलो। सुबह 5 बजे से लगे हुए हैं, अभी 8 बज रहा है गार्डन का मेक ओवर करते हुए। हाय प्लांट का भी क्या शौक है, जेब भी खाली हो जाती है और फिर दिल खुश हो जाता है। आंटी आंटी इतनी मेहनत करने के बाद जब फिर पौधों को देखती हूँ उसका फिर इतना सुंदर लगता है कि दिल खुश हो जाता है। ऊपर से तो मेरा आने का मन ही नहीं हो रहा था।